अभी भी हार्दिक पटेल ने ईवीएम के प्रति अपने सवाल नहीं छोड़े हैं विनोद जी, और वो कह रहे हैं कई उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत सारे विधानसभाओं के नाम बताए हैं और कहा कि खासकर पटेल और आदिवासी इलाकों में विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम सोर्स कोड से हैकिंग करने का प्रयास हुआ है, पता नहीं उनका क्या आधार है, पर अब 109 108 के करीब भारतीय जनता पार्टी लगभग पुराने नतीजे की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस को अब कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस ने मजबूती से एक जो लगा था कि वो एक सिंगल डिजिट में आ जाएगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक ठाक एक विपक्ष की स्थिति में है, 21 सीट है, 41 पे बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन अब गुजरात में साफ है क्योंकि अब बहुत मुश्किल है, एक घंटे का लम्हा जरूर टीवी देखने वालों के लिए और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत शानदार था कि जब दोनों में से किसकी सरकार बनेगी किसी को पता नहीं चल रहा था, कभी बीजेपी 2 अंकों से आगे चल रही थी, कभी कांग्रेस 4 अंकों से आगे हो जा रही थी, लेकिन अब सेटल है कि बीजेपी पार कर चुकी है 108 और बहुमत से भी बहुत आगे जा चुकी है, तो उसने अपने नुकसान की भरपाई करीब करीब ठीक तरीके से कर ली है विनोद जी।